गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने राम का वनगमन पढ़ा था रामायण से। बहुत इंटरेस्टिंग ये चैप्टर था, कैसे राम के पिताजी ने वचन दिया था अपनी रानी को और उस वचन को, एक पिता के वचन को पुत्र ने कैसे निभाया। रघुवंश की जो रीत थी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, यानी प्राण किसी का चला जाए परंतु उसका दिया हुआ वचन कभी न जाए, इसके रीत राम ने कैसे निभाई। तो अब चैप्टर हम आज चैप्टर नंबर 5 चित्रकूट में भरत इसको रीड करेंगे। तो आइए, भरत कैकेयी राज में थे। भरत जो थे राम के भाई यानी कैकेयी के पुत्र, वो भरत जो वो अपने नाना के यहाँ चित्रकूट में कैकेयी राज में थे अपनी ननिहाल में। अयोध्या की घटनाओं से सर्वथा अनभिज्ञ थे वो, लेकिन वे चिंतित थे। उन्होंने एक सपना देखा था पर उसका अर्थ पूरी तरह वे नहीं समझ पा रहे थे। संगी साथियों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि उसका अर्थ क्या है, पर सपने में मुझे डर लग रहा है। मैंने देखा समुद्र सूख गया, चंद्रमा धरती पर गिर पड़े, वृक्ष सूख गए, एक राक्षसी पिताजी को खींच कर ले जा रही है, वे रथ पर बैठे हैं, रथ गधे खींच रहे हैं। जिस समय भरत मित्रों को अपना सपना सुना रहे थे, ठीक उसी समय अयोध्या से घुड़सवार दूत आ पहुंचे। घुड़सवारों ने छोटा रास्ता चुना जल्दी पहुंचने के लिए। भरत को संदेश मिला, वे तत्काल अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गए। ननिहाल में भरत का मन नहीं लग रहा था, वहां से उनका मन उचट गया था, वे अयोध्या पहुंचने को उतावले थे। कैकेयी राज ने भरत को विदा किया 100 रथों और सेना के साथ। उन्होंने घुड़सवारों से अधिक समय लगा, लंबा रास्ता पकड़ना पड़ा, सेना और रथ खेतों से होकर नहीं जा सकती थी। वे 8 दिन बाद अयोध्या पहुंचे, नदी पर्वत लांघते थके और अधिक चिंतित। भरत ने अयोध्या नगरी को दूर से देखा, नगर उन्हें समान नहीं लगा, बदला सा लगा, अनिष्ट की आशंका उनके मन में गहरी होती गई। यह मेरी अयोध्या नहीं है, क्या हो गया इसे, उन्होंने खुद से पूछा। सड़कें सुनी है, बाग बगीचे उदास है, सब लोग कहाँ गए, वह तुलकनाबाद कहाँ है, पक्षी भी कलरव नहीं कर रहे हैं, इतनी चुप्पी क्यों। किसी ने भरत के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। नगर पहुंचते ही भरत सीधे राजभवन गए, महाराज दशरथ के प्रसाद की ओर। महाराज वहां नहीं थे। फिर वे कैकेयी के महल की ओर बढ़े। माँ ने आगे बढ़कर पुत्र को गले लगा लिया, परंतु भरत की आंखें पिता को ढूंढ रही थी। उन्होंने माँ से पूछा, पुत्र तुम्हारे पिता चले गए। माँ ने बताया, तुम्हारे पिता चले गए, वह जहां एक दिन हम सबको जाना है उनका निधन हो गया। भरत यह सुनते ही शोक में डूब गए, पछाड़ खाकर गिर पड़े, बिलाप करने लगे। माँ कैकेयी ने उन्हें उठाया, ढाढ़स बढ़ाया, कहा, उठो पुत्र, यशस्वी कुमार शोक नहीं करते, तुम्हारा इस प्रकार दुखी होना उचित नहीं है, राजगुणों के विरुद्ध है, अपने को संभालो। क्या से क्या हो गया, भरत यह मानकर चल रहे थे कि पिता राजाभिषेक की तैयारी में व्यस्त होंगे, सब कुछ उल्टा हो गया। उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश दिया, भरत ने माँ से पूछा। नहीं, अंतिम समय में उनके मुंह से केवल 3 शब्द निकले, हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहा। भरत व्याकुल थे, विकलता बढ़ती ही जा रही थी, वह तुरंत राम के पास जाना चाहते थे। महाराज ने उन्हें वनवास दे दिया है 14 वर्ष के लिए, सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ गए हैं। कैकेयी ने भरत का मन पढ़ते हुए कहा, वह जानती थी कि भरत यहाँ से सीधे राम के पास ही जाएंगे, परंतु वनवास क्यों, भ्राता राम से कोई अपराध हुआ, राम से कोई अपराध नहीं हुआ, महाराज ने उन्हें दंड भी नहीं दिया, इसके लिए मैंने महाराजा दशरथ से प्रार्थना की थी, मुझे तुम्हारे हित में यही उचित लगा, मैं तुम्हारा अहित नहीं देख सकती थी, कैकेयी ने कहा। और वरदान की पूरी कथा सुनाते उन्होंने कहा, उठो पुत्र, राजगति संभालो, अयोध्या का निष्कंटक राज अब तुम्हारा है। भरत अपना क्रोध रोक नहीं सके, चीख पड़े, या तुमने क्या किया माते, ऐसा अनर्थ घोर अपराध, अपराधनी हो तुम, बन तुम्हें जाना चाहिए था राम को नहीं, मेरे लिए यह राज अर्थहीन है, पिता को खोकर भाई से बिछड़कर नहीं चाहिए मुझे ऐसा राज। इस बीच मंत्रीगण और सभासद भी वहां आ गए। भरत बोलते रहे, तुमने पाप किया है माते, इतना साहस कहाँ से आया तुम्हें, किसने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट की, उल्टा पाठ किसने पढ़ाया, यह अपराध अक्षम्य है, मैं राजपद नहीं ग्रहण करूंगा, तुमने ऐसा सोचा कैसे। सभासदों की ओर मुड़ते हुए भरत ने हाथ जोड़कर कहा, आप भी सुन ले, मेरी माँ ने जो किया उसमें मेरा कोई हाथ नहीं, मैं राम की सौगंध खाकता हूँ, मैं राम के पास जाऊँगा, उन्हें मना कर लाऊंगा, प्रार्थना करूंगा कि वे गति संभाले, मैं दास बनकर ही रहूंगा। भरत बहुत उत्तेजित हो गए, स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सके, बोलते बोलते उनकी सांस उखड़ने लगी, वे चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़े।
सुधबुद लौटी तो भारत रानी कौसल्या के महल की ओर चल पड़े। उनसे लिपट कर बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रोए। उनके चरणों में गिर पड़े कौसल्या आहित्य। उन्होंने कहा, पुत्र तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई, तुम जो चाहते थे वो हो गया। राम अब जंगल में है, अयोध्या का राज तुम्हारा है। मुझे बस एक सुख दुख है, कैकेयी ने राज लेने का जो तरीका अपनाया वह अनुचित व निर्मम था। तुम राज करो पुत्र, पर मुझ पर एक दया करो, तुम मेरे राम के पास मुझे भी भिजवा दो। भरत ने रानी कौसल्या से क्षमा मांगी, सफाई दी। रानी कैकेयी के व्यवहार पर ग्लनी व्यक्त की। माँ कहा, राम मेरे प्रिय अग्रज है, मैं उनका अहित कभी नहीं सोच सकता, मैं निरापराधी हूँ। कौसल्या ने भरत को क्षमा कर दिया, उन्हें गले लगा लिया। भरत सारी रात फूट फूट कर रोते रहे। सुबह जब शत्रुघ्न को पता चला कि कैकेयी के कान किसने भरे, मंथरा अयोध्या के घटनाक्रम से घबरा गई थी, छिप गई। कुछ ही दिनों में उसे किसी ने नहीं देखा। भरत और शत्रुघ्न राम को वापस लाने का मंत्रणा कर रहे थे, कभी शत्रुघ्न की दृष्टि बचाकर निकलती मंथरा पर पड़ी। उन्होंने लपक कर उसके बाल पकड़ लिए, खींचते हुए भरत के सामने लाए। भरत को दासी की भूमिका बताई। शत्रुघ्न ने उन्हें जान से मारने देने का आधार थे, भरत ने बीच बचाव किया। मुनि वशिष्ठ अयोध्या का राज सिंहासन रिक्त नहीं देखना चाहते थे, खाली सिंहासन के खतरे से वे परिचित थे। उन्होंने सभा बुलाई, भरत और शत्रुघ्न को आमंत्रित किया। भरत ने कहा, वत्स तुम राजकार्य संभालो, पिता के निधन और बड़े भाई के वन गमन के बाद यही उचित है। भरत ने महर्षि का आग्रह स्वीकार कर लिया। बोले, मुनिवर यह राज राम की है, कहीं उनके उत्तराधिकारी है, मैं यह नहीं कर सकता। हम सब वन जाएंगे और राम को वापस लाएंगे। वन जाने के लिए सभी तैयार थे। भरत ने सबके मन की बात कही, सबकी इच्छा थी कि राम अयोध्या लौट आए। अगली सुबह सब भरत सभी मंत्रियों और सभासदों के साथ वन के लिए चले गए। गुरु वशिष्ठ साथ थे, नगरवासी भी थे, अयोध्या की चतुरंगणी सेना भी थी। राम तब तक गंगा पार कर चित्रकूट पहुंच गए। वहां एक आश्रम था महर्षि भरद्वाज का, गंगा यमुना के संगम पर। राम आश्रम में नहीं रहना चाहते ताकि महर्षि का को असुविधा न हो। महर्षि ने उन्हें एक पहाड़ी दिखाई, सुंदर स्थान, सुगम दृष्ट, पर्णकुटी वहीं बनाई गई। भरत को सूचना मिल गई थी वे चित्रकूट ही आ रहे हैं। पूरे दल बल के साथ सेना के चलने से आसमान धूल से अट गया, हर ओर कोलाहल। वे श्रृंगेश्वर पहुंचे। विशाल राजगृह को सेना देखकर कुछ संदेह हुआ, कहीं राजपद में आकर भरत राम पर आक्रमण तो नहीं करने जा रहे हैं। यही स्थिति पता चली तो उन्होंने भरत की आगवानी की। गंगा पार करने के लिए देखते देखते 500 नावें जुटा दी गई। रास्ते में मुनि भारद्वाज का आश्रम पड़ा। उन्होंने भरत को राम का समाचार दिया, वह मार्ग भी दिखाया जिधर से राम गए, वह पहाड़ी दिखाई जहाँ राम ने पर्णकुटी बनाई। अयोध्यावासियों ने रात में विश्राम वहीं बिताई, इस संतोष के साथ कि राम अब दूर नहीं है। अब आगे जंगल घना था, सेना चली तो वन में खलबल मच गई। जानवर इधर उधर भागने लगे, पक्षियों ने अपना बसेरा छोड़ दिया, छोटी वनस्पतियां सेना के छांव तले कुचल दी गई। राम कुटी से बाहर आए, उन्होंने लक्ष्मण को समझाया। लक्ष्मण उग्र हो उठे थे सेना को देखकर, भरत हम पर हमला नहीं करेंगे, कभी नहीं, हम सब लोगों से भेंट करने आ रहे हैं। भेंट के लिए सेना के साथ आने की क्या औचित्य है, दोनों भाइयों के मिलन में सेना का क्या काम। लक्ष्मण आसक्त थे, वे सेना पर आक्रमण करना चाहते थे, राम ने उन्हें रोक दिया। वीर पुरुष धैर्य नहीं छोड़ते हैं, प्रतीक्षा करो। भरत ने सेना पहाड़ी के नीचे रोक दी, नगरवासियों से भी वहीं ठहरने को कहा। कोलाहल थम गया, उनकी जगह पुनः वन सौंगिक शांति ने ले लिया। भरत ने पहाड़ी को प्रणाम किया, शत्रुघ्न के साथ लेकर नंगे पांव ऊपर चढ़े। पांव की गति अचानक बढ़ गई, भाई से मिलने की उत्कंठा थी और प्रतीक्षा भी वे कर सकते, अब वो प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। पहाड़ी पर दूर उन्हें एक छवि दिखाई थी, राम थे, शिला पर बैठे होते, पास ही सीता लक्ष्मण बैठे थे। भरत दौड़ पड़े, राम के चरणों में गिर पड़े, उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। शत्रुघ्न ने भी राम के चरण में वंदना की, आंसू निकल रहे थे उनकी आंखों से। भरत साहस नहीं जुटा पा रहे थे, भाई को यह सूचना कैसे दे कि पिताजी दशरथ अब नहीं रहे, यह दुखद समाचार है। प्रातः बहुत कठिनाई से उन्होंने कहा, पिता दशरथ नहीं रहे, आपके आने के छठे दिन खुद से दुख से प्राण त्याग दिए। राम सन्न रह गए, शोक में डूब गए। राम को पता चला कि भरत के साथ केवल सेना नहीं आई है, नगरवासियां आए, गुरुजन, माता, कैकेयी भी आई है। राम लक्ष्मण पहाड़ी से उतर से भेंट करने के लिए आए, सबके स्नेह के बाद कैकेयी मन ही मन पछता भी रही थी। अगले दिन भरत ने राम से राजग्रहण का आग्रह किया, समझाया, विनती की कि अयोध्या लौट चले। राम इसके लिए कभी तैयार नहीं हुए, पिता की आज्ञा का पालन अनिवार्य था, पिता की मृत्यु के बाद मैं उनका वचन कभी नहीं तोड़ सकता। राम को काज समझाया, भरत को कार्यकाल समझा दिया और कहा कि अब तुम ही गद्दी संभालो। और इस तरह सभी लोग वहां से लौट आए। राम ने बहुत सहन स्वर में कहा, चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे, सूर्य पानी की तरह ठंडा हो जाए, हिमालय नीलम शीतल न रहे, समुद्र की मर्यादा भंग हो जाए, परंतु मैं पिता की आज्ञा के विपरीत नहीं जा सकता हूं। मैं उन्हीं की आज्ञा से बन आया हूं, उन्हीं की आज्ञा से भरत को राजगद्दी संभालनी चाहिए। भरत
राम की यह लौटने को तैयार नहीं थे। भरत के चेहरे से निराशा टपक रही थी। भरत ने कहा, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, आप मुझे अपनी खड़ाऊं दे दे, मैं 14 वर्ष तक उस खड़ाऊं की पूजा करूंगा और उसे राजगद्दी पर रखकर उसी के अनुसार राजकाज चलेगा। आपकी चरण पदुकाओं का शासन रहेगा, सबको प्रणाम कर वे उन्हें चित्रकूट से विदा। इस तरह से उनके चरण पादुका लेकर और चित्रकूट से विदा हो गए। राम की चरण पादुका को एक सुसज्जित थाली में रखा गया। प्रतिहारी उस पर चौवर डुलाते रहे। अयोध्या पहुंचकर भरत ने पादुका पूजन किया, कहा, ये पादुका राम की धरोहर है, मैं इनकी रक्षा कर उनका गरिमा की आँच को इस पर आने नहीं दूंगा। भरत अयोध्या में कभी नहीं रुके। तपस्वी के वस्त्र पहने और नंदीग्राम चले गए। जाते समय उन्होंने कहा, मेरी अब केवल एक इच्छा है, इन पादुकाओं को उन चरणों में देखूं जहां उन्हें होना चाहिए। मैं राम के लौटने की प्रतीक्षा करूंगा 14 वर्ष। तो इस तरह से एक पिता ने अपने पुत्र का वचन निभाया और एक भाई ने अपने अग्रज भाई को आदर दिया, उनकी चरण पादुका को सम्मानित किया। नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।